नमस्ते, मेरा नाम मालविका है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, फैशन, मेकअप, ट्रैवलिंग, बहुत सारे। अभी जो रिसेंटली मेरे सारे ब्लॉग्स आए हैं वो ट्रैवल रिलेटेड रहे हैं। उसमें लेह लद्दाख के ब्लॉग्स हैं और एक कोलाड करके यहाँ पास में महाराष्ट्र में जगह है वो है। ये वाला वीडियो तो एक्चुअली होने वाला है एक बड़ा सा आइकिया हॉल। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट आइकिया इज अ होम स्टोर जो बाहर का है ऑफकोर्स, एंड इंडिया में कुछ ही जगहों में खुला है अभी। तो मुंबई में इसके 4 से 5 स्टोर्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब 3 तो पक्का ही हैं पर एक सबसे बड़ा वाला है जो नवी मुंबई में है। तो हम जब वापस आ रहे थे कोलाड से अपनी ट्रिप से यानी के, तो हम रस्ते में वहाँ रुक गए थे और हमने कुछ कुछ चीज़ें खरीदी। नाउ आई लव होम स्टोर्स एंड आइकिया एक ऐसा स्टोर है जहाँ आप बिल्कुल भी कुछ नहीं लेने के पर्पज से भी जाओगे तो भी आप बहुत कुछ ले आओगे, क्योंकि वहाँ पे इतना क्या कलेक्शन है, दे हैव अ मैसिव कलेक्शन एट अमेजिंग रेट्स, सो रीजनेबल एज कम्पेयर टू अदर होम स्टोर्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया। मुझे वो थोड़े ओवर प्राइस लगते हैं बाकी के होम स्टोर्स, बट आइकिया, व्हेन इट कम्स टू आइकिया, आई थिंक इट इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आई थिंक इट्स रियली गुड। तो आइकिया तो पक्का एक ऐसा स्टोर है जहाँ आपको कुछ भी नहीं लेना होगा फिर भी आप बहुत कुछ ले आओगे, तो यही हुआ हमारे साथ। बट जो भी मैं चीज़ें लाई हूँ वो मेरे तो काफ़ी काम आने वाली है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं ये हॉल। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लेकर आए हैं वो है ये कलरफुल ग्लासेस। नाउ आई थिंक ये प्लास्टिक या पता नहीं कौन से मटेरियल के हैं पर ये चाइल्ड सेफ है। ये हमने अपनी नीसा और नेफ्यू के लिए लिए हैं क्योंकि ऑफकोर्स जब बच्चों को ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती है तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है इसमें जो भी हो खाने या पीने के लिए। तो एक ये सेट लिया था। अब जो भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ उनकी प्राइजेस मैं डाल दूंगी क्योंकि मुझे अभी ऐसे एकदम से याद नहीं आएंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ थी। इसी के साथ हमने ये चाइल्ड सेफ कटलरी का सेट भी लिया जिसमें कि फोक्स, नाइव्स और स्पून्स हैं। अब ये नॉन पोकिंग है तो मतलब बच्चे अगर वो अपने आप से भी खाएं इसे तो भी उनको कुछ लगेगी नहीं मुंह में, विच इज़ ग्रेट। तो इसका भी एक ये सेट लिया अगेन नीस एंड नेफ्यू के लिए ताकि वो अपने टिफिन विफिन में रख के ले जा सकें। नाउ द थर्ड थिंग इज वेरी वेरी क्यूट, इट्स वेरी एस्थेटिक, वेरी प्रिटी लुकिंग। ये एक मेटल मटेरियल में है, ये पेन स्टैंड है। आपको एक्चुअली किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हैं, पेन स्टैंड, टूथब्रश होल्डर, अपने मेकअप ब्रशेज होल्डर या जो भी। तो ये भी मुझे काफी क्यूट लगा। बस हाँ, इसका ऊपर वाली जो शीट है वो काफी पतली है पर एटलीस्ट ये पोकिंग नहीं है, मतलब चुभेगा नहीं, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर भी है देखने में। तो ये था नेक्स्ट। इसके बाद जो मैंने चीज़ ली वो है ये प्लांटर्स। ये बड़े ही क्लासी लुकिंग सिंपल पीस है, इसमें बस ऐसे लाइंस बनी हुई हैं, ग्रूव्स हैं, एंड ये मैंने सेट ऑफ 2 में लिया। अब इसमें होल्स नहीं है तो ये यूजुअली उस चीज़ में मुझे काम आ सकते हैं कि ऑलरेडी कोई मेरे पास प्लांटर या पॉट प्लांट पॉटेड है तो मैं उसको डायरेक्टली इसमें रख दूँ ताकि अच्छा दिखे। घर के अंदर इनडोर प्लांट्स रखने के लिए प्लांटर्स भी सुंदर होते हैं तो बहुत सुंदर लगता है मेरे को। तो ये हमने 2 लिए। नाउ नेक्स्ट चीज इज अगेन अ ग्लास का पीस। ये कैंडल होल्डर्स हैं, ये मैंने एक्चुअली इसके साथ लिए पॉट पोरी रखने के लिए। ये भी मैंने आइकिया से लिए, ये भी इसमें मैं कैंडल भी रख सकती हूँ एक्चुअली, लेकिन मैंने इस पर्पज से लिए थे। नाउ दिस ऑल्सो स्मेल्स डिवाइन और ये तो है ही अच्छा। इन दोनों के भी प्राइजेस मैं नीचे डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट चीज़ बहुत रैंडम है एज कम्पेयर टू ऑल द अदर डेकोर आइटम्स। ये एक ग्रेटर है ये जो मैंने लिया, ये किचन में मेरा ग्रेटर खराब हो गया था तो इसीलिए लिया। एंड आइकिया के किचन प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अमेजिंग, क्या कलेक्शन है उनका भी। बट हाँ, अगर आप मुंबई में रहते हो, अगर आप आइकिया जाना चाहते हो तो एक घाटकोपर में, एक मॉल में और एक परेल में है, लेकिन वो क्योंकि मॉल में है तो वो बहुत छोटे हैं और उनके पास कलेक्शन भी बहुत लिमिटेड है। तो मैं आपको पक्का बोलूँगी कि एक दिन आप नवी मुंबई जाओ उसमें टाइम निकाल के और उनका कलेक्शन तो आप पागल हो जाओगे, मतलब यू एटलीस्ट नीड 6 to 7 hours टू एक्सप्लोर द इंटायर स्टोर एंड विच एक्चुअली मेक्स फॉर अ ग्रेट आउटिंग ऑल्सो, क्योंकि सुबह निकलोगे आप पूरा घूमते फिरते, वहाँ अंदर ही फूड कोर्ट भी है तो आप अपना मील वील खा के अपना शॉपिंग करके आ सकते हो। तो द नेक्स्ट थिंग वॉज दिस ग्रेटर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस प्लेसमैट। ये मुझे बहुत ही सिंपल येट क्लासी लगा, बस स्ट्राइप्स हैं, ब्लैक एंड वाइट लाइन्स हैं और ये प्लास्टिक की मटेरियल है तो आप इस पर कुछ गिरा भी तो हो तो फटाफट गीले कपड़े से पहुंच सकते हो। ये मैंने जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस के लिए छोटा पड़ गया पर कहीं ना कहीं तो यूज़ आ ही जाएगा, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको अपने होम टूर वीडियो में, वो जल्दी ही आएगा
कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे यूज किया है और जो भी चीजें जहाँ भी लगाई हैं। नेक्स्ट चीज बड़ी बेसिक है बट हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि है ये डोरमैट। नाउ ये जूट एंड रबर के कॉम्बिनेशन में है, बेसिक सिंपल वेरी नाइस बट यस वेरी इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट है ये। ना उसी डोरमैट के साथ पेयर करने के लिए मैंने ये एक और मैट लिया, ये काफी बड़ा है, उसके नीचे रखने के लिए मैंने लिया। ये मैंने कोई पिंटरेस्ट आइडिया में देखा था कि इफ यू लेयर योर डोर मैट्स लाइक दैट दे लुक वेरी एस्थेटिक एंड प्लीजिंग, तो इसीलिए मैंने लिया है ये। और ये काफी अच्छे प्राइस में मिल गया, अगर बाहर नहीं यूज हुआ तो ये कहीं ना कहीं तो घर में यूज हो ही जाएगा। बट हाँ इसका यही एक ड्रॉबैक है कि इसमें ये एंटी स्किड वाली जो पीछे लाइंस होती हैं वो नहीं है, तो इसको मेरे को शायद वही डोरमैट के नीचे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ऐसे ही रखूंगी तो बहुत चांसेस हैं चलते फिरते इस पे स्लिप होने के, और मैं वैसे ही काफी क्लमजी हूँ, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो वेरी यूजफुल एंड ये कांच में है, तो ये है एक सोप डिस्पेंसर। इसमें भी मैंने दो लिए, अभी मैंने अपने किचन में रखने के लिए लिया है, एक में डेटॉल और एक में ऑफकोर्स वॉशिंग लिक्विड जो होता है वो रखने के लिए। बड़े अच्छे लगते हैं इंस्टेड ऑफ कीपिंग दोज अगली बॉटल्स जो विम वगैरह की आती हैं, ये दो सेम होती हैं तो बड़ी अच्छी लगेंगी, तो मैं इनको जैसे ही सेट करूंगी वो भी होम टूर वीडियो में पक्का दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट चीज जो है वो स्पाइसेस जार्स हैं, तो मेरे स्पाइसेस जो खड़े मसाले जिनको हम बोलते हैं वो प्लास्टिक के जार्स में थे बड़े बड़े, और वो मेरी पैंट्री के कवर्ड में थे ना, हर बार जब भी उनको निकालना होता था तो पहले जाओ फिर एक एक डब्बा खोलो फिर निकालो फिर लाओ, बड़ा टास्क हो जाता था। तो आई वॉन्टेड समथिंग जो मेरे आस पास रहे स्टोव के, तो मैं हैंडी हो बेसिकली और मैं फटाफट उनको निकाल के यूज कर लूँ। तो ये सेट ऑफ फोर ग्लास जार्स लिए मैंने, ऐसे दो लिए क्योंकि ऑफकोर्स खड़े मसाले बहुत सारे होते हैं। नाउ यू विल बी एबल टू सी इट बेटर, ये इतने साइजेस के हैं विच इज परफेक्ट फॉर कीपिंग एंड स्टोरिंग योर खड़ा मसाला, काफी कुछ आ जाएगा इसमें। एंड इसमें ऊपर भी दो तरह के ये जो ढक्कन दिए हुए हैं, एक अगर छोटी कोई चीज निकालनी है आपको वैसे, एंड एक ये बड़े माउथ वाला ताकि फटाफट आप निकाल लो, पेपर वगैरह सब कुछ निकल जाएगा इसमें, काफी बड़ा साइज है इसका। ये मैंने सेट ऑफ एट में लिए, 4+4 के 2। नेक्स्ट थिंग इज अगेन ऑफ ग्लास, ये हैं ये वाले जार्स, ये मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स के लिए लिए। तो मुझे ऐसा था कि ड्राई फ्रूट्स मुझे डाइनिंग टेबल के आसपास रखने हैं ताकि चलते फिरते कोई ना कोई तो खा ले, नहीं तो वो फ्रिज में रखे रह जाते हैं और उनको कोई भाव नहीं देता, इसलिए मैंने ये लिया। और ये दिखने में बड़े क्यूट हैं, अगर सामने भी रखे होंगे तो दे वोंट लुक आउट ऑफ प्लेस या फिर अगली, ये ऐसे खुलते हैं। रुको मैं इसका पेपर भी निकाल के दिखाती हूँ, ये मेटल लॉक वाला सिस्टम है, ये ऐसे लिफ्ट करके खुल जाता है और बड़े क्यूट लगते हैं ये मुझे। ये भी मैंने 4 लिए आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू स्टोर स्नैक्स एंड ड्राई फ्रूट्स बेसिकली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगेन वेरी यूजफुल एंड ये एकदम सेरेमिक मटेरियल की लगती है लेकिन एक्चुअली है ये प्लास्टिक या फिर एक्रेलिक। ये एक बाथरूम सेट है, सेट ऑफ 3 में आया था ये। ये सोप डिस्पेंसर, ब्रश होल्डर और नीचे एक ट्रे है क्यूट सी, ये पूरी अगर आप ऐसे रखे हुए देखोगे तो आपको सेरेमिक का लगेगा लेकिन है ये प्लास्टिक। एंड बहुत सस्ता था ये, बिना ऑफर के भी इट वॉज रियली चीप। ऑफकोर्स प्राइस मस्ट बी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन समवेयर राइट नाउ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब सॉरी अगर फ्रेम चेंज हुआ होगा तो, क्योंकि मुझे बीच में उठना पड़ा तो शायद से थोड़ा सा इधर उधर हिला होगा, लेकिन हाँ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये है एक बेसिक लॉक एंड लॉक वाला डब्बा। नाउ ये प्लास्टिक में है, मैं यूजुअली यही यूज करती हूँ अपने फ्रिज में कुछ भी स्टोर करने के लिए। एंड मेरे पास ये ग्लास में पहले और भी थे 2-3, अब ये बड़े वाले लिए मैंने, इसमें ज्यादा चीजें आती हैं करके। अब इसमें नेक्स्ट बनेगा गाजर का हलवा क्योंकि विंटर जा रहा है एंड बनाना तो पड़ेगा। चीज है ये वाला जग, इसका कलर मुझे बड़ा पसंद आया था, बड़ा मेलो एंड सटल सा है तो आपके पूरे घर के एस्थेटिक्स के साथ पक्का मैच हो जाएगा क्योंकि इट इज नॉट समथिंग वेरी लाउड। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट इट इज इंसुलेटेड, तो ये ठंडा या गर्म आपके पानी को जितना भी 8-10 आवर्स के लिए रखेगा ऐसा लिखा हुआ था वहां पर। तो ये मैंने अपने लिए तो पहले ही ले लिया था पर उसके बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए भी ले लिया और अपने पेरेंट्स के लिए भी ले लिया, सबके लिए ले लिया ताकि वो भी गर्म या ठंडा पानी जैसा भी पीना चाहे वो पी सके। एंड इसमें 1 लीटर पूरा पानी आ जाता है और ये आप अपने भर के बेड साइड टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे कहीं भी रख लो ताकि आपको बार बार अगेन ठंडा गर्म पानी जो भी चाहिए आपको वो ना करना पड़े और काफी देर तक के लिए इसमें ठंडा पानी रहे। अब दिस ऑल्सो वॉज एट अ वेरी चीप प्राइस एज फार एज आई रिमेम्बर, हाँ इसके MRP से भी मुझे काफी कम प्राइस पे मिला था विच वॉज रियली अ गुड डील। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस सेट ऑफ 3 ऑफ फेक प्लांट्स, ये मैंने अपने बाथरूम में रखने के लिए लिए हैं।
इसके अलावा मेरे पास और कोई फेक प्लांट्स नहीं है, लकीली जितने भी हैं बचा बचा के रियल प्लांट्स ही रखे हुए हैं। ये सिर्फ बाथरूम के लिए लिए हैं क्योंकि उसमें बहुत कम जगह होती है, एंड इट इज़ नाइस टू ऐड अ लिटिल सम डेकोरेटिव पीस टू योर बाथरूम टू जस्ट स्टैम्प इट अप। With that, this all comes to an end. These were all the things that I bought from IKEA. अब IKEA का एक और drawback है कि ये सारी चीज़ें उनकी website पे available नहीं है, और अगर हैं भी तो वो सारे states में serviceable नहीं है उनकी website. इसमें से कुछ कुछ चीज़ें Amazon पे हैं but not everything. इस सब चीज़ों में से जो मैंने लिए हैं उसमें से मेरे को जितनी भी links मिल जाएंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और प्राइजेस तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, तो अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो यू कैन गो चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड go ahead and buy it. Now also a very important thing that we crossed 400 subscribers and I am so happy about it. I am extremely grateful to each one of you who has subscribed to my channel. And aise hi grow karna hai mujhe abhi, there's no stopping and looking back. But now with all that being said and done, this video comes to an end. If you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, which is Malvika Singh Dhankar. And until my next video, bye bye.